तो भैया हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब पोलैंड और यूक्रेन की अपनी धाकड़ यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और हवाई अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अचानक दिल्ली को नो रिसेप्शन जोन घोषित कर दिया। बेचारे मोदी जी एयरपोर्ट पर उतरे, इधर उधर देखा, लेकिन नड्डा जी से लेकर बाकी सारे नेता गायब। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। चलिए आपको इस खाली एयरपोर्ट की कहानी सुनाया जाए। पोलैंड और यूक्रेन में मोदी जी ने ऐसा डंका बजाया कि यूरोप वाले भी दंग रह गए। वहां की सड़कों पर उनके स्वागत के लिए लोग पलके बिछाए बैठे थे, लेकिन दिल्ली आते ही हालात बदल गए। एयरपोर्ट पर न तिलक, न स्वागत, न घंटियां, बस मोदी जी का अकेलापन और हवाई जहाज की गड़गड़ाहट। अरे भैया, मोदी जी तो सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो दिल्ली वालों ने मेरा स्वागत ही छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि नड्डा जी, जो हर बार मोदी जी को रिसीव करने के लिए आगे पीछे घूमते रहते थे, आखिर कहां गायब हो गए। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे नड्डा जी ने रिसेप्शन का काम किसी और के सिर पर मढ़ दिया हो और खुद आराम फरमाने कहीं चले गए हों, या फिर हो सकता है उनके पास रिसेप्शन का नया पैकेज ना आया हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार छोड़ ही दिया जाए। अब हो सकता है मोदी जी ने अपनी यूरोपीय यात्रा में इतना थकावट महसूस किया हो कि उन्हें दिल्ली में रिसेप्शन की जरूरत ही ना हो। आखिरकार दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर अपनी छाप छोड़ना कोई आसान काम नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री तक सब ने मोदी जी को ऐसा ट्रीट किया कि दिल्ली वालों को लगा कि हमारी बारी ही क्यों। दिल्ली वालों ने सोचा होगा कि मोदी जी तो हर बार आते हैं, इस बार क्यों ना कुछ नया किया जाए। शायद इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट पर नो शो का पैंतरा अपनाया। लेकिन यह पैंतरा मोदी जी को कुछ खास रास नहीं आया। उनके मन में जरूर यह सवाल आया होगा कि क्या हुआ, मेरे दिल्ली वाले क्यों नहीं आए। अब देखिए, मोदी जी तो एक ट्रेंड सेंटर हैं। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर यह प्लान बनाया हो कि इस बार कोई रिसेप्शन ना हो ताकि बाकी नेता भी आराम फरमा सकें, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने खुद से ही कह दिया हो कि भाई इतनी भीड़ भाड़ क्यों, अकेले आओ, चुपचाप दिल्ली पहुंच जाओ। लेकिन मोदी जी, हमें तो इस नो रिसेप्शन स्टाइल की आदत नहीं। जैसे ही मोदी जी का विमान दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा और वे बाहर आए, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। कहां गए सब, नड्डा जी सो रहे थे क्या, जैसे सवालों की बाढ़ आ गई। लेकिन मोदी जी के मुस्कान से लगता है कि उन्होंने इसे भी बड़े ही हल्के अंदाज में लिया। आखिरकार ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हर स्थिति में खुश रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। तो भैया, चाहे नड्डा जी हों या कोई और, इस बार का एयरपोर्ट खालीपन भी एक नई कहानी लेकर आया है। देखिए अगली बार क्या होता है।